आपके क्वेश्चन नंबर है 12। अब यहाँ हमें सिद्ध करना है, मतलब ये दिया हुआ इसके बराबर ये लाना है, मतलब आपको इसको हल करेंगे उत्तर कितना आना चाहिए, अंडर रूट 3/2। मतलब उत्तर पहले से दिया हुआ है, हमें इसको हल करके √3/2 लाना है। सारणी के माध्यम से हल करेंगे, बताओ सबसे पहले दो पक्ष है, एक तो एल एच एस और एक है आर एच एस, ये क्या है आपके एल एच एस, इसको बताओ क्या है cos 30 प्लस साइन 60 डिवाइडेड बाई प्लस cos 60 प्लस साइन कितना, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, सबसे पहले ध्यान दो बेटा, ये अब मान रखेंगे यहाँ पर, हम बताओ सबसे पहले cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। अब ये बटे वाली लाइन, ये पूरी बटे वाली लाइन, एक का एक प्लस cos 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ऊपर वाला ये क्या लेना पड़ेगा, लस है, क्या लेना पड़ेगा, क्या लस आएगा, दो लस आएगा। यहाँ देखो ये लिया मैंने लस, बताओ क्या आया, दो। अगर नीचे सेम है ऊपर भी कैसे आएंगे, सेम, ये ऐसे कह सकते हो एक ये और एक ये कितने हो गए, दो, ऐसे बना सकते हो डायरेक्ट। तो ऊपर भी क्या आएगा √3 + √3, ये बटे वाली लाइन, ये बटे वाली लाइन, बताओ क्या हो गया आपके एक आधा और आधा एक, कितने हो गए, दो हो गए ना, आधा है एक, एक और एक दो, कितने हो गए, दो, बस हो गया। अब आगे देखो इधर, यहाँ देखो √3 और √3, ये हो गए 2√3 बटा कितना, दो, और नीचे बटा कितना, दो से दो, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, आ गया LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू राइट हैंड। ये आपके 13वां क्वेश्चन, यहाँ पे भी इसको हल करना है उत्तर कितना आना चाहिए, माइनस का 1/4, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पे भी हम दायां पक्ष, ये आगे वाला बताओ क्या लिखेंगे, LHS बराबर, बताओ क्या है 4 cot² 45 - sec² 60 - sin² 30 डिग्री। अब बताओ 4 का तो 4, cot 45 का मान 1, 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस sec 60 का मान 2, कितना होता है 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान 1/2, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखो सिंपली 4 का तो 4, 1 का स्क्वायर 1, को 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 किसका प्लस का, 4 किसका प्लस माइनस, क्या बचा माइनस का 1/2, क्या लाना था, क्या आ गया माइनस का 1/2, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान दो है आपके क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो इधर भी यही नंबर है और उधर भी यही नंबर है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड और वो आपके राइट हैंड साइड, पहले इसको हल करेंगे फिर उसको हल करेंगे, दोनों के उत्तर क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए सेम। तो यहाँ पर किताब में कुछ करेक्शन था तो आपको करेक्शन कर लेना है। ध्यान दो, सबसे पहले नंबर एक इसको हल करेंगे, LHS को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बताओ क्या लिखेंगे LHS, क्या है 4 sin 30 degree sin² 60 degree प्लस cos 60 degree into 10 45 degree हल करेंगे।
पहले यहाँ लिखेंगे कितना, चार का तो साइन तीस का मान एक बटा दो। अब यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुणा साइन साठ का मान अंडर रूट तीन बट्टा दो, इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस कोस साठ का मान एक बट्टा दो इंटू साइन पैतालीस का मान एक, कितना होता है एक। अब देखो यहाँ हाँ सो टेन पैतालीस का मान कितना होता है एक ही होता है वैसे, ठीक है। अब यहाँ हल करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं गुणा, क्या करते हैं गुणा, दो से चार कटेगा दो बार। अब यहाँ देखो दो क्या आया, दो इंटू इस स्क्वायर से ये रूट कितना आया तीन, और दो का स्क्वायर चार, प्लस दोनों के ऊपर था स्क्वायर, ऊपर वाला तो स्क्वायर कट गया और नीचे कितना हो गया चार, एक बटा दो को एक से गुणा करेंगे तो एक बटा दो। अब यहाँ देखो दो से कटे कितनी बार, दो बार, ऊपर आया तीन बटा प्लस एक बटा दो, बताओ क्या लेंगे क्या आएगा दो, दोनों सेम तो ऊपर भी सेम, तीन प्लस एक बताओ क्या है तीन और एक चार बटा दो का भाग देंगे तो दो, इधर उत्तर कितना आया, उधर भी उत्तर कितना आना चाहिए दो ही आना चाहिए। अब बताओ उधर का पक्ष क्या है, आर एच एस राइट हैंड साइड, बताओ क्या है आपके दो से स्क्वायर पैतालीस डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर नब्बे डिग्री, बताओ दो का तो दो इंटू सेक पैतालीस का मान केवल रूट दो, और इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर माइनस कोस नब्बे का मान क्या होता है एक, का क्या लिखेंगे स्क्वायर, एक का लिखेंगे स्क्वायर, तो बताओ दो का तो दो इंटू ये कट गया तो क्या आया दो माइनस एक, दो दूनी चार माइनस एक कितना बचा, इधर आया दो उधर आया तीन, कहीं देखें मिस्टेक, यहाँ कितना था किताब में कितना था तीन था ना यहाँ पे, तो यहाँ तीन रखेंगे देखें तीन, यहाँ आपके किताब में तीन है, यहाँ मिस्टेक हो गई लिखने में, तीन है यहाँ पे, बताओ यहाँ भी आएगा तीन, तो देखो यहाँ भी कितना आएगा तीन, और यहाँ भी कितना आएगा बताओ तीन को एक से गुणा करेंगे तो तीन, अब यहाँ भी कितना आएगा तीन, यहाँ भी तीन और तीन छह, छह बटा दो बार कितनी बार जाएगा, इधर भी तीन और इधर भी तीन, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक, पहले आगे आपको ये चार करना है, बाकी सेम वैसे वैसे नंबर आएगा। देखो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 15, आपको यहाँ पे भी सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, वही इसका उत्तर कितना आना चाहिए चार बटा तीन, कौन सा पक्ष लेंगे हम एल एच एस, कौन सा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एल एच एस बराबर, बताओ सबसे पहले क्या है कोसेक सी ओ एस ई सी, कोसेक स्क्वायर पैतालीस इंटू सेक स्क्वायर तीस इंटू साइन क्यूब निब्बा इंटू कोस कितना साठ डिग्री, मान रखेंगे बताओ कोस पैतालीस का मान कितना अंडर रूट दो, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, गुणा सेक तीस का मान दो बटा, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर इंटू साइन नब्बे का मान एक, इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब, कोस साठ का मान एक बटा दो, हल करेंगे सबसे पहले देखो इस स्क्वायर से रूट क्या बचा दो इंटू यहाँ दो का स्क्वायर चार, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या बचेगा एक का स्क्वायर एक का क्यूब एक इंटू एक बटा दो, सब किस में गुणा में, दो से दो कैंसिल, ये नीचे था ये ऊपर था, क्या बचा चार बटा तीन, इसको किससे गुणा करेंगे क्या आएगा चार बटा तीन ही आएगा, तो ये चार बटा लाना क्या था एल एच एस बराबर आर एच एस,